बिहाइंड द या जी, आपने कहा दिल्ली से देहरादून जाने में 2 घंटे, दिल्ली से जयपुर जाने में 2 घंटे, लेकिन दिल्ली में ही ऐसे बहुत सारे रूट हैं जहां पर दिल्ली से दिल्ली जाने में भी 2 घंटे, तो दिल्ली वालों की इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इनका प्रश्न बहुत सही है, गलत व्यक्ति को है। दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड है, DDA के रोड है, दिल्ली राज्य सरकार के रोड है, और फिर राष्ट्रीय महामार्ग के रोड है। अब आपको मजाक बताता हूं, ये होटल से बाहर निकलने के बाद धौला कुआ लगता है। मुझे दिल्ली ज्यादा मालूम नहीं, पर मैं जब से BJP का प्रेसिडेंट बना यहां अटकता था, तो मैंने एक दिन अपने अधिकारियों को बुलाया कि अरे यार ये सब धौला कुआ में ट्रैफिक जाम होता है, ये इधर ऐसा। सर बोले अपना रोड नहीं है। मतलब कहा, बोले जो ब्रिज से उतरते, ये आगे नहीं ब्रिज हो, वो शुरू होता है उतरते, वहां NHI खत्म होता है। हाँ। और इसलिए यहां हम काम नहीं कर सकते। बोला ऐसा है, ठीक है, वो फाइल लो। मैंने हाईवे को बढ़ाकर यह होटल तक ला दिया और पूरा रोड तुड़वा दिया, और वो कर करके अभी किया, अभी भी आधा काम, डिफेंस जगह ही नहीं देती थी। 50 मीटिंग हुई, मनोहर परिकर थे, वो आए यहां देखे, अभी पुलिस स्टेशन तोड़ना है वहां। वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बार बार लिखता हूँ, मैं LG को लिखता हूँ, ये कॉर्नर पे है ना, वो पलटते वहां से, वो पुलिस कमिश्नर का, मैंने कहा मैं तुमको नया बना देता हूँ। अब वो लेकर उसको तोड़ के वो बना लाया। अब ये प्रॉब्लम जो है कि इसके लिए इनकी समस्या सही है, पर DDA के रोड, अब ये जो UR2 जी, ये मेरा रोड नहीं था, ये परवेश अपना जो वर्मा है अपने, वो मेरे पास एक बार दो बार तीन बार आए, चौथी बार आया तो मैंने बोला यार ठीक है बना देता हूँ। फिर मैं 8000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ, DDA का था। अभी प्रॉब्लम ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं जी, धीरे धीरे दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली का रिंग रोड अगर मैंने नहीं बनाया होता तो क्या हालत होती आपकी? जो पेरिफेरल रोड है वो सुप्रीम कोर्ट में केस थी, वो बुरेलाल जी की कमिटी थी जी। हाँ, वो हमारी एक एक्टिविस्ट है, वो महिला उनके कमिटी में थी, वो बार बार आते थे सुप्रीम कोर्ट माउंट का, दिल्ली वालों ने पैसे 50% दिए नहीं, UP वालों ने दिए नहीं, हरियाणा वालों ने कुछ दिए, कुछ UP वालों ने नहीं बोला हाथ। मैंने कहा ठीक है हम अपने पैसे लगाएंगे, और दिल्ली का पेरिफेरल रोड पूरा बन गया, जिसके कारण दिल्ली का कम से कम 60% ट्रक प्रॉफिट बाहर जा रहा है। अगर वो भी नहीं बनता तो क्या हालत होती? तो ये प्रॉब्लम है। मैं जिस रोड के लिए जिम्मेदार हूं वो है ये, यहां से ऊपर गुड़गांव की तरफ जाता है, अब उसमें प्रॉब्लम है, 2.25 लाख PCUs का ट्रैफिक है। अब वो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, वसंत विहार के नीचे टनल बना रहा हूँ, फिर वो उधर से शायद अभी एक मेरे मन में ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि ये डबल डेकर पुलिस ब्रिज बनाया गया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी हम लोग अभी चेन्नई में और पुणे में बना रहे, नागपुर में हमने बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। रोड मंत्री, सड़क मंत्री हो तो ऐसे हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री नितिन गडकरी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स, एंड थैंक यू सो मच आनंद फॉर दैट ग्रेट सेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री नितिन गडकरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एस्टीम्ड गेस्ट, दैट कंक्लूड्स आवर पैनल।